हे गाइस, आज की इस वीडियो में हम मैसेज फाइल दूसरी जनरेट करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने जैसा कि हेलो वाली करवाया था, कोई भी स्ट्रिंग भेजा था दूसरी पब्लिशर से स्ट्रिंग भेजा था, सब्सक्राइबर से उस स्ट्रिंग को सब्सक्राइब करा रहा था, बस जस्ट इतना ही किया था। आज मैं काम करूंगा कि मेरे एक नोड बनाऊंगा, पहला नोड होगा उससे मैं कुछ डेटा भेजूंगा, दूसरा नोड बनाऊंगा उससे कुछ डेटा भेजूंगा, तीसरा नोड उस डेटा को सब्सक्राइब करेगा। पर यहाँ पे एक ट्विस्ट ये करूँगा, इससे पहले भी मैं इस तरह के कुछ प्रोग्राम बता चुका हूँ, पर आज के इस प्रोग्राम में एक ट्विस्ट ये होगा कि हम खुद की मैसेज फाइल बनाएंगे। वहाँ पे मैसेज फाइल हम बनी बनाई यूज कर रहे थे, जो थी कौन सी, std-msgs.msg, और उसमें इम्पोर्ट कराते थे, और फिर हम फ्लोट 32 या मुझे इंटीजर जिस टाइप का यूज करना था मैं उसको यूज करता था। पर आज के वीडियो में ऐसा कुछ नहीं होगा, खुद की बनाएंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको स्टेप बताया क्या था कि आपको खुद का MSG फोल्डर क्रिएट करना था। तो MSG फोल्डर यदि आपका एक बार क्रिएट हो चुका है तो बार बार करने की जरूरत नहीं है, मेरा ऑलरेडी क्रिएट हुआ था पिछली वीडियो में, तो मैं उस फोल्डर के अंदर जाऊँगा। उस फोल्डर के अंदर जाने के बाद आपको एक फाइल क्रिएट करनी होगी। किस नाम से, किसी नाम से क्रिएट कर सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया किसी भी नाम से क्रिएट हो सकती है, ऐसा कोई भी वो नहीं है, नाम अपना स्पेशली रखना है। तो यहाँ पे मैंने नाम क्या था, जैसे कि यहाँ पे मैंने फाइल का नाम रखा है AVG, मैंने एवरेज के लिए कर रहा, तो मैंने AVG एवरेज नाम की जगह मैंने AVG लिखा और .msg कर दिया। अब मुझे डेटा लेने के लिए मैंने क्या किया, फ्लोट टाइप का डेटा लेना, मुझे 32 बिट में, और वो 32 बिट मैक्सिमम हो सकती है, और मैं 1 बिट भी ले सकता हूँ, 2 बिट भी ले सकता हूँ, और ए ये मेरा फील्ड है, मैंने पहले बताया था। अब डॉट मैं जैसे वहाँ पे यूज किया था इससे पहले वाले में, नेम यूज किया था, ये फील्ड थी, ये टाइप था, ये टाइप था, और ये फील्ड थी क्या, नेम फील्ड थी। इसी तरह से ये फ्लोट 32 क्या है, टाइप है, ए फील्ड है। इसी तरह से ये मेरे सिप का है, नोड 1 यूज करेगा जब डेटा को पब्लिश करेगा, डेटा को अपने अंदर लेगा और पब्लिश कराने में, नोड 2 भी इसका फ्लोट, और फ्लोट 32 एवरेज का हम जब यूज करेंगे, जब हम डेटा को एक्चुअली क्या करना चाहते हैं, डेटा को एक्चुअली डालना चाहते हैं, पब्लिश करना चाहते हैं या दिखाना चाहते हैं, उस टाइम पे यूज कर सकते हैं। जस्ट इतना सिंपल कॉन्सेप्ट है, आप चाहे तो इसको यूज कर सकते हैं, नहीं चाहते तो यूज नहीं भी कर सकते हैं, सिर्फ ए से भी हम काम चला सकते हैं। तो चलिए ये करना है, इसके बाद आपको क्या करना था, जस्ट कंट्रोल सेव करना था। ये आप करने के बाद आपको अगला स्टेप क्या करना था, मैंने बताया था कैटकिन मेक करना था, कहाँ पे, अपनी वर्क स्पेस में जाकर, जैसा कि मैं आपको एक बार फिर से बता दूँ कहाँ पे आपको जाना है, अपनी वर्क स्पेस में, जैसे मैंने लिखा CD, और CD के बाद आपको क्या लिखना था, CD के बाद आपको राहुल, मैंने जैसे मेरी वर्क स्पेस का नाम है राहुल वर्क स्पेस, तो मैंने करना था। इसके बाद आपको कैटकिन मेक यहाँ पे करना था, जब कैटकिन मेक करेंगे तो आपके साथ कुछ जादू इस तरह का होगा कि आपको एक फोल्डर बनेगा, कहाँ पे वर्क स्पेस करना, डेविल के अंदर इंक्लूड फोल्डर होगा, उसी के अंदर पहले से पिछली वीडियो बन चुका हूँ पैकेज का नाम होगा आपका, और वहाँ पे ये इस टाइप की कुछ फाइल बनेगी। ये जादू हो जाने के बाद आपको क्या करना था, वापसी जाना था, अपने स्क्रिप्ट में जाना था, स्क्रिप्ट में जाने के बाद आपको फाइल अपनी खोलनी थी, कौन सी, एवरेज नाम की फाइल बनानी होगी, अपने 3 नोट्स बनाने होंगे। तो मैं यहाँ पे ऑलरेडी 3 नोट्स बना चुका था, तो पहली लाइन का मतलब मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, पहले से ही फिर से बता रहा हूँ, /usr/bin/python3, ये किस लिए होता है, python3 का इन्वायरमेंट सेटअप करने के लिए ये होता है। अब है दूसरी लाइन का मतलब क्या था, इम्पोर्ट रॉसपाई, ये क्या होता है, रॉसपाई पैकेज, जो पाइथन के बहुत सारे पैकेज हैं और रॉस से इनबिल्ट होकर बनते हैं, रॉस और पाइथन के दोनों के इनबिल्ट पैकेज थे, वो उसको इंपोर्ट करने के लिए होता था। अब रॉसपाई पैकेज के अंदर बहुत सारी लाइब्रेरी थी, जैसे कि .publisher.subscriber.rate, rospy.rate, rospy.rate के अलावा rospy.spin, और भी बहुत सारी लाइब्रेरी थी उसके लिए होता था। अब यहाँ पर है फ्रॉम, इसके बाद मैंने क्या बताया था, यहाँ पर पैकेज का नेम रखते थे, मैंने पैकेज का नाम क्या रखा था, pack.msg, जिस फोल्डर के हमारा एक्चुअली डेटा है, इम्पोर्ट और एवरेज, इम्पोर्ट उससे हमने अपनी जो फाइल का नाम रखा उसका नाम रखने थे, ये यहाँ पर क्या रखते हैं, फाइल का नाम रखते, जस्ट सिंपल मैंने इतना बताया था। पर मैंने इससे पहले एक चीज़ और बताई थी आपको क्या करना होता था, जब ये आप करने से पहले, जब कैटकिन मेक करने से पहले भी आपको एक चीज़ करनी थी, cmake लिस्ट में जाना था और अपनी आपको यहाँ पर फाइल ऐड करनी थी, जैसे कि मैं ऑलरेडी फाइल ऐड कर रहा था पिछली वीडियो में ही दिखाया था, तो ये मैं जस्ट आपको एक वो बता रहा हूँ, avg.msg नाम की फाइल ऐड करी थी और कैटकिन मेक किया था, ये जस्ट मैं आपको इससे पहले बता चुका था, इसलिए मैं इस चीज़ का थोड़ा सिर्फ किया, फिर भी मैं एक बार याद दिलाया तो ये किया, जब आपको इन कैटकिन मेक करना है, जब ये cmake लिस्ट में आप चेंज कर दें।
ठीक है, इसके बाद आपको फंक्शन डेफिनेशन करना था। मैंने फंक्शन डेफिनेशन पहले क्यों कर देते, इंसान होगा जब ही तो उसको कॉल करोगे, यदि इंसान ही नहीं होगा किसी को बुलाओगे तो उसको बुलाने का फायदा ही क्या है, तो इसलिए फंक्शन की डेफिनेशन पहले करते थे। अब डेप क्यों लिखते हैं, डिफाइन अ फंक्शन, इसलिए डेप लिखते हैं, और फिर इसका फंक्शन का कुछ भी जो नाम रखना चाहो वो नाम रख सकते हैं। मैंने ये फंक्शन का नाम रखा रॉसपाई डॉट इनिट नेट, क्यों होता था यहाँ पर रॉसपाई, किसी भी डेटा किसी भी नोड को डेटा पब्लिश करना है, मतलब डेटा को हमें पब्लिश करना है, को कौन पब्लिश कर रहा है एक्चुअली उसके लिए होता था, उस नोड का नाम पता होना चाहिए, इसलिए नोड को इनिशियलाइज करते थे। हम नोड को इनिशियलाइज तो कर दिया पर उस नोड का कुछ ना कुछ नेम होगा नहीं, लोग कैसे जानेंगे, ठीक है ना, तो उसके लिए नोड मैसेज नाम का, मैंने उसका नोड का नेम रखा एनोनिमस इक्वल टू ट्रू, पूरे सिस्टम में वो ट्रू यूनिक हो, इसलिए उसको लिखते थे एनोनिमस इक्वल टू ट्रू। अब पहली लाइन का मतलब मैं फिर से बताया हूँ, रॉसपाई डॉट सस पब्लिशर, रॉसपाई मैंने पब्लिश, रॉसपाई क्या है, पैकेज डॉट पब्लिशर एक लाइब्रेरी है। अब ये क्या करती थी, एक्चुअली उस डेटा को पब्लिश कराने का काम करती थी, तो एक्चुअली डेटा हमारा कहाँ पब्लिश होता था, टॉपिक में पब्लिश होता था, तो टॉपिक का कुछ ना कुछ नेम होगा, फिर किस टाइप का डेटा पब्लिश होता था, तो ये चीज़ है, ये है टॉपिक नेम, जो डेटा को हमें पब्लिश करना है किस में पब्लिश करना है, टॉपिक में पब्लिश करना, तो टॉपिक का नेम क्या रखा, टॉपिक MSG.1, और मैं किस टाइप के डेटा को पब्लिश करना हूँ, AVG टाइप का, जो मैंने अभी मैसेज फाइल बनाई है, और क्यू साइज 10, यदि डेटा बहुत ज़्यादा हो, कई बार होल्ड में रखना होता है क्योंकि मीडियम वाले की दिक्कत हो जाती है, तो मान लो कई बार कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल की जो बहुत सारे होते हैं, जैसे TCP बताया था, TCP ROS यूज करते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत सारा डेटा होता है, तो होल्ड में रखने के लिए यहाँ पे हम क्यू साइज 10 रखते हैं कि इतना डेटा मेरा होल्ड करके रखे। अब ये चीज़ मुझे बार बार ना लिखना पड़े, तो मैं इसको पब नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लिया, रॉसपाई डॉट इट, इतने रेट से डेटा बार बार प्रिंट होगा, जैसे मान लो एक मैसेज एक बार मैंने लिखा, यहाँ पर टू, तो एक बार में टू मैसेज दिखेंगे, थ्री लिखूंगा थ्री मैसेज दिखेंगे, अब इसको रेट में इसको लोड कर दिया। अब रेट डॉट स्लिप, ये हर तीन मैसेज प्रिंट करने बाद अपने आप स्लिप हो जाएगा, पर ये चीज़ बार बार, ये व्हाइल नॉट रॉसपाई इज शटडाउन लिखा, बार बार लिखा है, तो ये चीज़ बार बार अपने आप को रिपीट करती रहेगी। अब यह है डेटा, डेटा मैंने इस फंक्शन को मैंने बनाया था, क्या कहा था, इसको फंक्शन की तरह बना देते हैं, तो एवरेज फंक्शन बनाया। अब डेटा डॉट, मैंने फाइल का नाम में बोला था, फाइल का नेम जो सॉरी हम लोगों ने यहाँ पे फाइल का नाम रखा था, कुछ फाइल का नाम के साथ में क्या रखा था, एवरेज में मैंने क्या रखा था, यहाँ पर ए लिखा था, इस चीज़ को याद रखना, इसी चीज़ को मुझे क्या करना होता था, लिखना होता था, तो यहाँ पे मैंने लिखा है फील्ड, यहाँ पे है डेटा डॉट ए, मैंने डेटा डॉट ए मतलब उस फील्ड में जाकर डेटा शो करना है। फ्लोट, मैंने फ्लोट टाइप कास्टिंग की, इनपुट से जो वैल्यू लेंगे स्ट्रिंग टाइप की, उसको हम टाइप कास्टिंग करते हैं, मैंने फ्लोट बनाया। अब प्रिंट कर देना डेटा डॉट ए, मैं ये यूजर को दिखाना चाह रहा हूँ, अगर चाहे तो आप इस प्रिंट को हटा भी सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, ये जस्ट मैं आपको विजुलाइज कराने के लिए मैंने ये चीज़ लिखी थी, आप ये चाहे तो यहाँ से हटा भी सकते हैं, और चाहे जो मैं एक और चीज़ आपको बता दूँ, ये तो आप कर ही सकते हैं, इसके अलावा चाहें तो एक नई चीज़ भी इसमें कर सकते थे, मैं यहाँ पे यूजर से भी डेटा ले रहा था, आप चाहे तो यूजर से डेटा ना ले, कुछ वैल्यू यहाँ पर फिक्स भी कर सकते, जैसा कि मैं चाहूँ तो मैं वैल्यू फिक्स भी कर सकता हूँ 45, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, तो ये सिंपल आपकी चॉइस पर है, तो आप कर सकते हैं, और यहाँ पर प्रिंट आप कराना चाहें तो प्रिंट को कमेंट कर सकते हैं, और ना चाहे तो नहीं कर सकते। अब पब, ये जो मैंने वेरिएबल बनाया था एक्चुअली वो ऑब्जेक्ट बन के तैयार हो गया, तो वहाँ पर कुछ डेटा डाला नहीं था, मैंने बताया टॉपिक में इस नाम का एक टॉपिक बन गया था, वहाँ पर एक्चुअली डेटा डाला नहीं, अब डॉट पब्लिश की सहायता से वहाँ पर डेटा डाला, और किस में हमारा डेटा स्टोर हुआ है, डेटा नाम के वेरिएबल में, तो पब डॉट पब्लिश और एक्चुअली डेटा मैंने डाल दिया, तो यहाँ से डेटा जाने लगा। सेम टू सेम मैंने यहाँ पर एवरेज टू किया है, वहाँ पर बस मैंने नोड के नेम चेंज किए हैं और टॉपिक का नेम चेंज किया है, और एक्चुअली मैंने सेम टू सेम रखा है। अब एवरेज थ्री नाम का एक मैंने बनाया फंक्शन, यहाँ पर एक्चुअली हमने क्या किया, पहले तीन लाइन वही हैं जो सर इससे पहले की हैं, अब यहाँ पे हमने क्या किया, फंक्शन नाम का कॉल हुआ है, फंक्शन गया, हमने एक नोड बनाया जो एक्चुअली डेटा सब्सक्राइब करेगा, एनोनिमस इक्वल टू टू, अब रॉसपाई डॉट सब्सक्राइब, रॉसपाई क्या पैकेज है, डॉट सब्सक्राइब सब्सक्राइब करने के लिए डेटा होता था, अब एक्चुअली डेटा किसको, कौन से डेटा को सब्सक्राइब करना है, हम जो टॉपिक पे डेटा पब्लिश हुआ, तो एवरेज वन में कौन से डेटा टॉपिक पे हुआ था, टॉपिक मैसेज वन पे, तो टॉपिक मैसेज वन पे, और किस टाइप का डेटा पब्लिश हुआ था, एवरेज टाइप का, तो यहाँ पर देखो एवरेज टाइप का हमने मैसेज में फाइल ली है, तो एवरेज टाइप का डेटा पब्लिश हुआ था, कॉल बैक फंक्शन, ये एक्चुअली इसमें डेटा जाएगा, और यहाँ पे ये डेटा आ चुका है। अब msg.a, क्योंकि उस फाइल से हमने ए बनाया था ना फील्ड, तो msg.a से उस डेटा को आया एक्चुअली निकाला और डेटा वन में डाल दिया। अब ये डेटा वन को ग्लोबल बनाया, क्योंकि यहाँ पे मैंने बनाया था ग्लोबल, क्योंकि ये फंक्शन ये मैं ग्लोबल नहीं बनाया, तो डेटा वन की वैल्यू सिर्फ एक कॉल बैक यही वाला फंक्शन यूज कर सकता था, पर मुझे इसका डेटा का कहीं और भी यूज करना है, तो इसलिए मैंने क्या बनाया, इसको ग्लोबल बना दिया है। अगर आप ऐसा करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं करना चाहते तो और भी तरीके होते हैं, बट मैं सिंपल ये बताया हूँ, तो आप यही यूज करना चाहें तो स्पेशली यूज कर सकते हैं। अब ठीक है, इसी तरह से मैंने ये क्या है, रॉसपाई डॉट सब्सक्राइबर डॉट दूसरे वाले मैंने को यूज किया कॉल बैक वन, ये कॉल बैक वन में गया और मैसेज ही हुआ, यहाँ पे डेटा टू में आ गया। अब ये डेटा पहले बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, जीरो, अगर इसमें वैल्यू आई तो मान लो
पहले यदि जब तक वैल्यू नहीं दे रहे जब तक वो वैल्यू जीरो देगा, और जैसी वैल्यू हम पुश कर देंगे मतलब इनपुट फंक्शन के थ्रू, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, इसमें कुछ वैल्यू आ जाएगी, इसमें कुछ वैल्यू आ जाएगी। अब ये दोनों वैल्यू को ग्लोबली यहाँ पे फंक्शन, क्योंकि ये आगे इस फंक्शन में यूज ना कर पाएंगे, इसलिए इसमें क्या है इसको ग्लोबली की, तो अब यहाँ पर उन दोनों को यूज कर रहे हैं, डेटा वन और डेटा टू को डिवाइड बाई टू करेंगे, तो इससे एवरेज निकला, डेटा डॉट एवरेज से हमने उसको यूज निकाला और फिर उसको प्रिंट करा दिया। आप यहाँ पब्लिश भी कराना चाहते तो यहाँ पर एक और नया नोड बना सकते थे, पब नाम से वेरिएबल बना सकते थे और पब्लिशर लिखते रॉसपाइट और पब्लिशर, और वो सारा कुछ करते कर सकते थे। जस्ट मैंने एक सिंपल आइडिया दिया है, ये आप कर सकते थे, इतने सारे कोड बता चुका हूँ तो आपको आइडिया हो चुका है। तो ये मैंने सिंपल सेव किया, इसके बाद आपको इसको एडिटेबल फाइल बनानी होती तो ये जस्ट आप कर सकते हैं, मुझे इतना तो अब भरोसा हो चुका है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर सी डी, अब क्या करना होता है, सी डी के बाद नहीं करना होता है, यहाँ पर सोर्स डेविल सेटअप करना होता है, तो मैं सोर्स डेविल सेटअप करूँगा तीनों अलग अलग पे। इसके अलावा लॉन्च फाइल भी बना सकते हैं, आप ट्राई करिए, यदि नहीं बन रही तो कमेंट करिए, मैं आपको उसको भी बना के दिखाऊंगा। तो देखिए ना होता है रॉस रन, पैकेज का नाम पैक, फिर मैंने फाइल का नाम क्या रखा था ए वी जे, आप देख सकते हैं हम फाइल का नाम जो रखा है वही रखेंगे, ए वी जे वन डॉट पी वाई और ए वी जे वन डॉट टू डॉट पी वाई। मैंने यहाँ से डेटा भी जा नहीं रहा है, क्या बोला रॉस मास्टर नहीं, तो हमें रॉस मास्टर चलाना होगा, रॉस कोड, सिंपल सा मेरा रॉस कोड चल चुका है, मुझे इसको फिर से चलाऊंगा और मेरा सिंपल से ये चलने लगा। अब मुझे क्या करना है, फिर से जाना है, इसके बाद क्या लिखना है, लिखना है सोर्स डेविल सेटअप, मेरा ऑलरेडी है तो इसको मैं लिखा रोशन पैक, अब फाइल का नाम, दूसरी फाइल का नाम क्या था एवरी डी, मैं दूसरी डेटा भी आ चुका है। अब इसी तरह से मुझे तीसरे का भी सोर्स डेविल सेटअप करना होगा, इसके बाद क्या रहना होता रोशन रोशन, इसके बाद होता था मेरे पैकेज का नेम, और फिर इसके बाद क्या रखना था फाइल का नेम, मैंने क्या लिखा था avg3.py और ये मेरा अभी एक्चुअली डेटा जीरो आ रहा है क्योंकि मैंने डेटा भी कोई पब्लिश नहीं किया, और ये डेटा भी इसी डेट पे प्रिंट होता है क्योंकि मैं वहाँ पर दिया था। अब मान लो मैंने यहाँ पर पहला डेटा 34 भेजा, डेटा जा चुका है, अब यहाँ पर दूसरा डेटा मैंने भेजा 45, 34 और 45 जा चुका है, अब 34 और 45 का एडिशन हुआ और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं ये निकल आया है क्या है 39.5। ठीक है ना, अब आपको इतनी सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कैसे मैं क्या कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आपको सिंपल तरीके से समझ में आई होंगी कैसे हुआ है। तो ये सिंपल छोटा सा प्रोग्राम आज बनाने की कोशिश की थी, ऐसे ही और भी बहुत सारे मैसेज फाइल पर प्रोग्राम बनाएंगे, बस आपको हमारे चैनल के साथ सब्सक्राइब करना है, साथ में रहना है, अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ करके कमेंट करके बताना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक सब्सक्राइब शेयर।